चलिए दोस्तों, आज हम बिना वेजिटेबल के घर के सामान से ही इंस्टेंट सांबर बना के रेडी कर लेंगे। आइए देख लेते हैं, टेस्टीदार सांबर बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए और बिना कोई इमली के खटास के हम सांबर को कैसे बनाते हैं, आइए देख लेते हैं। हेलो यूट्यूब के दोस्तों, नवजोत होम शेफ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से सांभर बनाना। अगर आपके पास कोई वेजिटेबल हो तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो कोई बात नहीं। आज हम घर के नेचुरल जो हमारे घर पे पड़े होते हैं चीज़ें, उनसे ही हम आज सांभर बनाकर आपको दिखाएंगे, वो भी बहुत ही टेस्टी आसान तरीका। बिल्कुल जब भी आपका मन करे तब आप बनाकर खा सकते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास वेजिटेबल है या नहीं है दोस्तों। आज हम बिल्कुल यूनिक तरीका और सिंपल तरीके से सांभर बनाना सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल बिना इमली के, बिना कोई और चीज़ों के। आइए देख लेते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। और दोस्तों जो चैनल पर आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिल सके। इसके लिए हमें चाहिए सांभर बनाने के लिए दोस्तों अरहर की दाल, जिसे हमने एक कटोरी अरहर की दाल को एक घंटे के लिए भिगोकर धोकर रख लिया, और 1 टीस्पून हमें चाहिए राई, थोड़े से हमें चाहिए बेबी अनियंस, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों। थोड़े से हमें चाहिए लहसुन की कलियाँ, 2 हमें चाहिए पोटैटोस जिसे हमने धोकर काट कर रख लिया, 1 हमें चाहिए बड़ा वाला अनियन जिसे हमने काट कर इस तरह से मोटे मोटे पीस में काट कर रख लिया, 1 हमें चाहिए टमाटर, थोड़े से हमें चाहिए हरी मिर्च थोड़े से कटे हुए, और थोड़े से साबुत। और ये रहा दोस्तों हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। आज हम कोई इमली नहीं डालेंगे, आज हम बनाएंगे आमचूर डालकर सांभर बनाना दोस्तों आपको सिखाएंगे। आइए दोस्तों, हमने 1 कप पानी ले लिया, कुकर में हमने पानी डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें सबसे पहले दाल, अब डालेंगे हम आलू, इसके बाद दोस्तों हम डालेंगे बेबी अनियंस, इसके बाद हम डालेंगे कटा हुआ और बड़ा वाला अनियन, इसके बाद हम डालेंगे थोड़े से टमाटर, इसके बाद दोस्तों हम डालेंगे 3 हरी मिर्ची, 3 हम डालेंगे लहसुन की कलियां जिसे हमने साबुत ही डालना दोस्तों, इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। एक बार इस टिप को जरूर अजमा कर देखिए। यहाँ पर डालेंगे दोस्तों अच्छा टेस्ट लाने के लिए हम डालेंगे देसी घी का 1 टीस्पून, इसे आप स्किप मत कीजिए दोस्तों, इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, अब डालेंगे 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर। बस दोस्तों जहाँ पर हमने कोई और मसाला नहीं डालना, सिर्फ 2 चीज़ें डालकर हम अब इनकी सीटी लगाएंगे। कम से कम हम 5 सीटी लगाएंगे दोस्तों, ताकि जो हमारी सब्जी है और दाल अच्छी तरह से पक सके और घुल सके। आइए दोस्तों अब हमारी दाल देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा सांभर बहुत ही अच्छी तरह से बन के रेडी हुआ। अब हम इनकी तड़के की तैयारी कर लेंगे झटपट। पहले डालेंगे हम पैन में ऑयल, अब हम डालेंगे जीरा, उसके बाद हम डालेंगे लहसुन, थोड़ा सा हम लेंगे राई, इसके बाद हम डालेंगे दोस्तों कटी हुई हरी मिर्ची, हम इसमें प्याज वगैरह नहीं डालेंगे। अब डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च, खटास लाने के लिए दोस्तों हम डालेंगे आमचूर,
और इन्हें अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये देखिए हमारा तड़का तैयार हो गया। अब हम सांभर को इस तड़के में डालेंगे। बहुत ही खुशबूदार हमारा तड़का तैयार हुआ। अब हम इसमें सांभर डाल देंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमारा टेस्टीदार सांभर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी हमारी सांभर बन के रेडी हुई है। यहाँ पर हम डालेंगे दोस्तों टेस्ट को और बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून देसी घी। इससे टेस्ट काफी अच्छा आएगा। ये लीजिए दोस्तों, हमारा टेस्टीदार घर के सामान से बना हुआ सांभर रेडी है। आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। गर्मा गर्म देसी घी के राइस के साथ इसे एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नवजोत होम शेफ चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।